मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए, तुरंत रिहा करो। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश भदुरिया ने कहा था कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो। भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम। ये देखिए मुद्दा बनाया जा रहा है, ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुक्ति साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश भदुरिया ने कहा था कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसानों को वो अनुराग कौन थे जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये गोली मारो, तो ये देश में दो प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। मुक्ति ने एक शेर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो, नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले, देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि मानवता यह है। गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। केवल माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का दंगा करने के लिए, फिर हमारे जनमानस को लड़ाया जाएगा, फिर ये कोरोना काल आप देख लो मेरे देशवासियों, कोरोना में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन गरीब था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। मैं चैलेंज देता हूं ये कि अगर काट दूं रक्त लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है, और किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो रक्त लेगा। इंसाफ न्याय सबके एक लिए होना चाहिए। मैं तो उसकी मांग कर रहा हूं, ये क्या केवल वो मुक्ति हैं, मुसलमान हैं, वो अगर मुसलमान इस्लाम धर्म के गुरु हैं, संत हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और आपके सामने जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा बयान देते हैं जो सबका साथ सबका विकास का, यही भारत का है, ये भारतीय जनता पार्टी का यही राम राज है कि आपके आप करो, आप अगर कर दो तो रासलीला हो गई, क्योंकि हिंदू सांसद हैं, आपकी सरकार है, आप जय श्री राम केवल बोलते हो, तो इसलिए मुक्ति ने अगर कह दिया तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। उसने कहा अगर गलत तो आपने सांसद को भी गिरफ्तार करके जेल में भेजिए, नहीं तो हम लोग मुक्ति के साथ हैं और मानवता इंसानियत के साथ रहेंगे, और तुरंत रिहा करो मुक्ति को। अगर रिहा नहीं करते तो क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। संत समाज, संत क्यों नहीं करेगा, संत समाज का काम, संत ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहाय, सार सार ले गए गह लिए थोथा दे बहाय। हम पाखंडवाद में विश्वास नहीं करते, हम जो है आडंबरों में विश्वास नहीं करते, हम अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। हमसे अगर आप ये पूछेंगे तो ये हम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। आप लोग नफरत, ये नफरत की बीज बंद होगी, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी देश के भाई भाई, सभी ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, अरे तख्त को चूम लिया है, फांसी को चूम कर ये भारत माता को ये बनाए हैं, ऐसे लोगों के बीच में चले आ गए। ये देखिए नफरत फैलाने के लिए, केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए, 2 करोड़ नौकरी भुटकाने के लिए मणिपुर जल गया, किसानों की आय दुगना, सबका साथ सबका विकास, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ये लोग केवल पाखंड के रूप में रमे रहा है। अरे ये तन मंदिर में गया, सोमवार मंदिर, अगर ये तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा, और मंदिर के अंदर, ये तन के अंदर ही राम मिलेंगे, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा। जय श्री राम कह के कोई कटुआ कह दे, जय श्री राम कह के मुसलमानों को निकाल दिया जाए, जय श्री राम कह के ये कर दिया जाए, इससे देश चलेगा? ये संविधान
कौन है? आपका सांसद पार्लियामेंट में अगर कहता है, एक गाली दे के कहता है, ये पूरे विश्व देखता है हमारी लोकतंत्र और अखंडता एकता उस समय शर्मसार होती है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। मुक्ति ने एक शेर बोल दिया तो उस पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, इसका घोर विरोध होना चाहिए। हम भी दुआ करेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, अय भगवान, अय राम, अय कबीर, अय मंसूर, अय सदगुरु महाराज, ये भारत, भारत में ये क्या हो रहा है? भारत से पाखंडवाद समाप्त हो, समाजवाद का राज हो, ये पाखंडवाद से देश, जनमानस, अंधभक्ति जो पैदा हो रही है इससे दूर किया जाए। मैंने रक्त का सवाल किया है, मैंने अध्यात्म की बात किया, सबका निचोड़ बताया है। रामचरित मानस में भी कहा गया कि बिन उपग चलाएं सुने बिन काना और कर बिन कर्म करें विधिनाना। उसका न रूप है, न नाम है, न जाति है, सर्वव्यापी है, कण कण में वास है। इसलिए धर्म को राजनीति में ना लाया जाए, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर मुक्ति रिहा नहीं होते तो जो संसद में ये बोले हैं सांसद लोग, उनको भी गिरफ्तार करिए। जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लाखों लाखों मंच में विदेश से कोई बोल रहा है, कोई देश में बोल रहा है, कोई यहां बोल रहा है, उनको भी गिरफ्तार करिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और एक मुसलमान कह दे इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, तब तो आग लग जाएगी। क्यों? उसको अधिकार नहीं, संविधान नहीं दिया, आपको बोलने की छूट है, उसको नहीं है। आप आग लगा रहे हो, आप गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को हिंदू के नाम पे केवल लड़ा के झोंक रहे हो। हम लोग ऐसा आप नहीं होने देंगे, बहुत हो गया। देखिए, हम जो इबादत जो करते हैं, हम उनके लिए आराधना करेंगे, वो साकुशल रहें, उनके साथ हमारे जितना जनमानस है भारत का, सब लोग साकुशल रहें, अच्छा दिशा दशा मिले, ये आडंबर और पाखंडवाद से जो है छुटकारा मिले। ये देखिए, समुदाय का है, उनके भक्त होंगे, उनके चाहने वाले हों, तो निश्चित तौर से वो अपना आराधना करेंगे और दुआ करेंगे। और हिंदू है तो राम राम कहता है, मुसलमान होता है तो अल्लाह खुदा कहता है, सब एक ही हैं, तो वो करेंगे, उनका उनका है। तो ये आग में झोंकना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये सारे मुद्दे को भुलवाने का। आप ये देखिए, एक महिला को गुजरात में, हमें नाम नहीं याद है, उसके साथ जो बलात्कार हुआ था, उन लोग बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया। ये क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है? आप गौवसी में, गौकसी करके कन्नौज में एक मंदिर में कोई फेंक देता है, बजरंग दल का व्यक्ति रहता है कहीं कोई। अभी गौकसी तस्करी में 3 हिंदू भी पकड़े गए। आप केवल नफरत, मुसलमान ही टारगेट है, मुसलमान ही टारगेट है। जब आपका चुनाव आ जाता है तो मुसलमान याद आता है, तब मंदिर याद आता है। आप राम को लाए, कृष्ण को, राम को लाए, कृष्ण को लाने वाले हैं, विजय माल्या को ला नहीं पा रहे हैं, नीरव मोदी को ला नहीं पा रहे हैं, अच्छे दिन ला नहीं पा रहे हैं, नौजवानों को नौकरी ला नहीं पा रहे हैं, किसानों की आय दुगना ला नहीं पा रहे हैं, गैस का सस्ता दाम ला नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता दाम ला नहीं पा रहे हैं। मैं जोर से कह रहा हूं कि मैं हूं, दिल से कह रहा हूं कि अगर वो दोषी है तो संसद में बोलने वाला क्या है, इसका जवाब दें। अगर नहीं